हिसार में लॉकडाउन के दौरान मुंबई फिल्म निर्माता कंपनी के 70 लोग लॉकडाउन के चलते हिसार में फंसे हुए हैं। उनकी मांग है कि वे अपने अपने स्थानों पर मुंबई, बिहार तथा उत्तर प्रदेश लौटना चाहते हैं। इन लोगों का कहना था कि हिसार जिला प्रशासन से भी उन्हें काफी सहयोग मिला है। उन्हें हिसार रहते हुए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और वे सभी लोग स्वस्थ हैं। वे सरकार के बताए नियमों के अनुसार और सोशल डिस्टेंसिंग व बसों के सैनिटाइज सिस्टम के साथ ही अपने घर जाना चाहते हैं। उनके परिजन उनका घर पर इंतजार कर रहे हैं। टीम के लीडर संतोष झा ने कहा कि हिसार प्रशासन से उन्हें काफी अच्छा सहयोग मिला है। उन्हें हिसार में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई, सभी अच्छी व्यवस्था की गई है। वहीं लोगों से हरियाणा सरकार के पूर्व चेयरमैन बजरंग दास गर्ग से भी मिलने पहुंचे। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बसों के माध्यम से सकुशल घर वापस पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि हिसार में मुंबई से 10 मार्च को 150 लोग 16 दुनी 8 फिल्म बनाने के लिए हिसार आए थे और हिसार के कुछ एरिया में शूटिंग भी की गई थी। इसी दौरान आधे लोग अपने अपने घर चले गए थे, परंतु 70 लोग लॉकडाउन के चलते फंस गए थे। इसमें टीम में मुंबई, बिहार और यूपी के भी रहने वाले लोग शामिल हैं। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। 10 मार्च को हम लोग यहाँ पे आए हुए थे शूटिंग के लिए और 20 तारीख 21 तारीख तक हम लोग शूटिंग करते रहे। 22 तारीख को मोदी जी के आह्वान पे 24 घंटे का कर्फ्यू था, उस कर्फ्यू का हम लोगों ने पालन किया। हम लोगों को माहौल बिगड़ता हुआ दिख रहा था, तो करीब 150 लोग हमारे यूनिट मेंबर थे, जिसमें से मैंने 75 लोगों को यहाँ से निकाल दिया, जो अंबाला के थे, रोहतक के थे, दिल्ली के थे, कुछ चंडीगढ़ अमृतसर से भी आए हुए थे। कुछ 75 लोग जो हैं अभी हमारे यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग मजदूर हैं जो अन्य राज्यों से बॉम्बे में आकर मजदूरी कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपी के हैं, बिहार के हैं। मेरी हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परिवार अलग थलग हुआ पड़ा है। कुछ के परिवार बॉम्बे में हैं, कुछ के परिवार यूपी बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि उनके परिवार की दशा क्या है। मैं आपसे हरियाणा प्रशासन का, पुलिस का, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके तरफ से हम लोगों को बहुत सहयोग मिला। हम लोग इससे पहले रह रहे थे डाबड़ा चौक पे एक होटल में, वहाँ पे कुछ कोरोना का संक्रमण आता हुआ दिखा, तो प्रशासन के सहयोग से हम लोगों को यहाँ पे शिफ्ट कराया गया और अभी भी उनकी पूरी हम लोगों के ऊपर निगरानी है, जिसमें वो इस बात से हमेशा चिंतित रहते हैं कि कहीं इसमें से कोई लोग बीमार ना पड़े, किसी को कोई ऐसा संक्रमण ना हो जिसकी वजह से इतने सारे लोग जो हैं वो तकलीफ़ में आए, उनका घर परिवार तकलीफ़ में आए। तो पुलिस अभी भी आके हम लोगों से पूछताछ करती रहती है, हमेशा उनकी ये नज़र निगरानी है हम लोगों पे कि इसमें से कोई बीमार ना हो। मैं महाराष्ट्र सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे मुंबई से यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको आप लाने का रास्ता बनाइए। यूपी सरकार, बिहार सरकार से भी मेरी आह्वान है कि हमारे जो लोग फंसे हुए हैं, जो अपने परिवार से दूर हैं, उनको उनके परिवार तक पहुंचाएं। और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं और उनके प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हम लोगों को भरपूर सहयोग दिया है। और आज तक पिछले 50 दिनों से हम लोग यहाँ पे हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि अब तक हम लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं, बच्चों को लेकर चिंतित हैं। जितने भी लोग हैं उनकी यही समस्या है कि उनके परिवार और बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बस यहाँ से जाना चाहते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं और एक डर सा लगा रहता है कि कोई संक्रमित ना हो जाए। अभी तक तो सुरक्षित हैं, लेकिन पता नहीं कल को क्या हो जाए, ये डर रहता है। यहाँ से जाना चाहते हैं, दिक्कत तो वैसे यहाँ कुछ नहीं है, बस जाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत बहुत मदद मिल रही है इन लोगों से। और ख़ासतौर से जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे मौके में उन्होंने एक पल के लिए भी किसी को अकेला नहीं छोड़ा, हर तरह से मदद करी है। बहुत बहुत शुक्रिया उन सबका।
हरियाणा सरकार को थैंक यू, पुलिस को थैंक यू कि उन्होंने सपोर्ट किया। हम लोग सर 10 मार्च को शूट करने के लिए यहाँ पे आए थे और 22 मार्च जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और यहाँ पे बेसिकली किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, प्रशासन सरकार से हर सहायता मिल रहा है, बस हम लोग घर जाना चाहते हैं सर। घर में परिवार अकेले है, चिंतित है, बात परेशानी होती है, बच्चे अकेले हैं, बस घर जाना चाहते हैं। हम लोग सर 10 मार्च को यहाँ पे आए थे शूट के लिए, 30-40 दिन यहाँ पे हो चुके हैं। प्रशासन से यही मांग है कि सर हम लोगों को सही सलामत हमारे गृह राज्य पहुँचा दिया जाए, बस यही रिक्वेस्ट है सर। ये बॉम्बे से, यूपी से, बिहार से लगभग ये धर्मशाला के अंदर, लालबादशाह धर्मशाला है, इसके अंदर 65-67 आदमी लॉकडाउन के दिन से ही ठहरे हुए हैं। ये किस्म से हमारे मेहमान हैं और हमारी जिम्मेवारी जो बनती है अभी किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, ना आए, ना इनको किसी प्रकार की दिक्कत आने दी। इब इनसे जो बात हुई है, इब ये लोग घरों में अपने जाने के लिए तैयार है तो उसके लिए हमने सिस्टम बना रहे हैं जाने के लिए। कुछ यूपी के भी है, कुछ बिहार में है, कुछ बम्बे जाएंगे। तो जैसे जैसे परमिशन लेके जिला प्रशासन से, मैंने मेरी टीम भेज दी है जिला उपायुक्त से बात करने के लिए, और जैसे सरकार के नॉर्म होंगे, जो सरकार इजाज़त देगी उस हिसाब से इनको अपने ठिकाने पर भेजने का प्रबंध किया जाएगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और जहाँ तक कि मैं विशेष तौर पर हिसार में हरियाणा की बात करूँगा, व्यापार मंडल की टीम, हमारी अग्रवा विकास ट्रस्ट अग्रवा धाम की टीम रात दिन सेवा के लिए लगी हुई है। जिस दिन लॉकडाउन हो जब से लेकर आज तक कोई भी ज़रूरतमंद है उसको हर प्रकार की ज़रूरतमंद की सहायता कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हमारा सेवा कार्य काम जारी रहेगा, इसमें कोई दो नहीं। मेरी जैसे लालबादशाह धर्मशाला के जो हमारे परिवार है, हमारे जो साथी, उनका फ़ोन पहले भी आया था मेरे पास, बेगरख साहब ये यहाँ रुके हुए हैं काफ़ी टाइम से, कुछ मोहल्ले वाले ने भी कुछ फ़ोन आए थे मेरे पास भी ऐसे बात। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, चिंता ना करो, जब तक ये ठहरे हुए हैं, बाहर से आए हैं मेहमान हमारे, जिस दिन जाने की ये बात कहेंगे उस दिन की व्यवस्था की जाएगी। और इसी प्रकार उसी को समझते हुए, बात को समझते हुए हमने तुरंत ये फैसला लिया भी इनको भेजवाने का व्यवस्था करेंगे, ताकि जो हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मेहमान हैं, इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, सही समय पर अपने घर के अंदर पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है, जिला प्रशासन की है, हरियाणा सरकार की है, उसके लिए हम पूरी मुख्तेती से अपना काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.